नगर परिषद चुनाव में अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। एक ऐसा ही रंग आपको मैं दिखाने जा रहा हूं, जहां पति पत्नी दोनों की जोड़ी मैदान में है। एक वार्ड संख्या 8 से है तो दूसरी वार्ड संख्या 19 से। हमारे साथ में हैं दीपक माली, जो काफ़ी लंबे समय से नगर निकाय चुनावों को लेकर सक्रिय है और कई बार पार्षद चुने जा चुके हैं, और उनके साथ में उनकी पत्नी है शारदा परमार, वो वर्तमान में भी पार्षद हैं और पहले भी शायद पार्षद रह चुके हैं। दीपक जी, क्या जची पति पत्नी दोनों की जोड़ी मैदान में और क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? इसके लिए मैं सर्वप्रथम तो मैं वार्डवासियों का आभारी हूँ, जनता का आभारी हूँ। वर्तमान में जो मेरा 19 नंबर वार्ड है, जहाँ मेरा रेजिडेंस है, इस वार्ड में मैं पूर्व में मेरी पत्नी शारदा परमार पार्षद रह चुकी है। हमने विकास कार्यों को लेकर, जनहित के मुद्दों को लेकर बहुत अच्छी तरह से पैरवी की। उसी पैरवी की बदौलत इस वार्ड का कच्ची बस्ती होते हुए बहुत बढ़िया विकास हुआ। उस विकास को लेते हुए जब अभी वापस लॉटरी खुली उस टाइम महिला सीट आई और वार्डवासियों ने कहा कि भाई हमें पार्षद शारदा परमार ही चाहिए, जिन्होंने वार्ड का विकास किया, इनके सामने हम कांग्रेस में कोई दावा नहीं करेंगे। इस चीज़ को लेके जब सभी रिपोर्ट माननीय विधायक मेवरम जी जैन साहब के पास गई, हमारे जिला अध्यक्ष जी फतेह खान जी के पास गई, उन्होंने कहा पार्टी का आदेश है आप यहाँ से चुनाव लड़ें। भाभी जी, क्या अनुभव मानती है पति पत्नी दोनों की जोड़ी मैदान में है? पहले भी कभी चुनाव लड़ चुके हैं या पहली बार दोनों मैदान? अब तीसरी बार है। नहीं, आप दोनों पहले एक साथ कभी चुनाव लड़ी थी? साथ में पहली बार है। क्या अनुभव मानते हैं, कैसा रहेगा अनुभव आप दोनों पति पत्नियों का? कुछ अच्छा दौड़ भाग ज्यादा करनी पड़ेगी, दोनों वार्डों को संभालना भी है, जनता की सेवा करना हमारा काम है, दौड़ भाग तो करनी पड़ेगी। पिछला कार्यकाल कैसा रहा, क्या अनुभव रहा, कैसा विकास करवाया? अच्छा, बहुत अच्छा विकास हुआ। दीपक जी, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं और दोनों वार्डों के वासियों से क्या वादा कर रहे हैं, क्योंकि दोनों वार्डों की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है? आपने बहुत ही बढ़िया प्रश्न पूछा। मैं पत्रकार मोदी से कहना चाहूँगा कि मैं गरीबों के जनहित के मुद्दों को लेकर बड़ा ही सक्रिय रहता हूँ। मुझे विकास कार्य करवाने में बड़ा ही अच्छा अनुभव होता है, इसलिए जनहित के मुद्दे, विकास कार्य, गरीबों को खाद्य एक्ट में जोड़ना, वृद्धावस्था विधवावस्था पेंशनों से लाभान्वित करना, सरकार की जो भी गरीबों के प्रति जो योजनाएं आती है उन योजनाओं को आम गरीब तक पहुंचाना, शहर के अंदर जो आवारा पशुओं को लेकर जो थी वो भी काफ़ी समस्या खत्म हो गई है, इसमें इन सभी कार्यों को लेकर मैं बड़ा ही अच्छा अनुभव करता हूँ और मुझे कार्य करने में, जनता के कार्य करने में बड़ा ही मज़ा आता है, इसलिए मैं अपने इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाऊंगा। पिछली बार आपकी पत्नी शारदा जी वार्ड पार्षद रही थी, आप अपने नज़रिए से शारदा जी को कार्यकाल को 10 में से कितना नंबर देंगे? 10 में से 8 नंबर दूंगा, कि मैंने करीब 90% अच्छे कार्य किए, 10% कुछ सरकार भारतीय जनता पार्टी की ऊपर राष्ट्र सरकार होने के कारण कुछ बजट की समस्या रही, इस कारण कुछ मेरे जो सीसी की रोड है और सीवरेज का कार्य था वो अधूर रह गया था, उसको मैं इस कार्यकाल में पूर्ण करने का पूरा कोशिश करूंगा। भाभी जी, आपके कार्यकाल का सबसे बड़ा कार्य क्या मानती हैं, कौन सा कार्य आपके वार्ड में सबसे ज़्यादा हुआ है? हमारे नालियों का और सीसी रोडों का और सफाई व्यवस्था। ये थे दीपक जी परमार और शारदा परमार, दोनों ही पति पत्नी हैं और दोनों ही अलग अलग वार्डों से मैदान में हैं। खास बात यह है कि कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। कैमरा पर्सन कालू माली के साथ तरुण मोखी, यूट्यूब के लिए लाइव।